हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पहले ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं घटारानी। एक्चुअली दो दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी, बारिश में मौसम काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, तो घूमने लायक मौसम था। तो मैंने आज सोचा, प्लान किया कि चलो घटारानी चलते हैं और आज अपना पहला ब्लॉग बना ही देते हैं। आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ लगातार रास्ते में। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के भी शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, रायपुर से अब निकल चुके हैं फ्रेंड्स और राजिम रोड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और दो दिन से लगातार बारिश हो रही है तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ। और ये रोड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है फ्रेंड्स कि इसके दोनों तरफ पेड़ लगाए गए हैं। और गर्मी के दिनों भी अगर आप आएँगे इस तरफ तो आपको यहाँ पर इतने ही सुकून और इतनी ही शांति मिलेगी कि छाया बनी रहती है, राजिम रोड है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि आगे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण रोड का संपर्क कटा हुआ है, तो ये काफ़ी एडवेंचरस होगा कि हम घटारानी तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं राजिम की तरफ। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह देखिए यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है फ्रेंड्स। और ये छोटा सा एक नाला है लेकिन ये भी उफान पर है और रोड पर थोड़ा पानी दिख रहा है। यहाँ पर आगे हम बढ़ चुके हैं धीरे धीरे, अब हम राजिम के पास पहुंचने वाले फ्रेंड्स। ग्रीनरी काफ़ी देखने लायक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और हम बस राजिम की एंट्री कर ही लिए हैं। यहाँ पर एंट्री गेट अब आने वाला है, राजिम का दिखाई दे रहा है सामने। ये देखिए राजिम का एंट्री गेट। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसका कारण यह है कि यहाँ पर लोग अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं और जो लोग प्रयागराज जाने में सक्षम नहीं हैं वो लोग इसे ही प्रयागराज मानकर पवित्र नदी में अस्थि विसर्जन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए स्थान इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, महानदी, पैरी नदी और सुलहुण नदी, जो कि महादेव, पार्वती मैया और भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है, तो उसका संगम यहाँ पर है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ नदी के बीचों बीच एक कुलेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुका है फ्रेंड्स। यहाँ के जो लोकल है वो बता रहे थे कि पुजारी भी बड़े मुश्किल से वहाँ से निकल के आ पाए और अभी मंदिर की जितनी भी पूजा अर्चना आरती वगैरह हो रही है वो नदी के किनारे से ही हो रही है। और देख सकते हैं बाढ़ का विहंगम दृश्य यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हम लगभग शाम का 4 बज चुका है तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम रायपुर से निकलने में थोड़ा लेट हो गया था हमको। अब यहाँ से निकल के हम जाएँगे घटारानी। घटारा जाने के लिए भी अब आगे निकलते हैं। देखिए यहाँ पर रोड में पूरा पानी भरा हुआ है। अब हम एंटर कर रहे हैं घटारानी की तरफ। अब रास्ते का दृश्य आपको दिखाते चलता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ की ग्रीनरी काफ़ी मंत्रमुग्ध करने वाली है और यहाँ पे बहुत सारे चरवाहे दिखाई दे रहे हैं मुझे। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा दृश्य हमको शहर में देखने के लिए नहीं मिलता फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। तो अभी एक खबर हम लोग को मिली है कि आगे जो पुल है उसके संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ और गांव वाले वहाँ पे खड़े हुए हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि पुल के करीब 2.5-3 फीट ऊपर पानी बह रहा है और कार का निकलना वहाँ संभव नहीं है। तो हम एक दूसरा रास्ता ग्रामीणों ने हमें बताया, उस तरफ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरीघाट नाम का एक गांव है फ्रेंड्स, उस रास्ते से हम अंदर से आए हैं गांव की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए बाज़ार लगा हुआ है, आज सब्जियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। तो एक गांव का छोटा सा बाज़ार है और यहाँ से निकल के हम आगे आ गए हैं। अभी यहाँ पे एक और पुल है मुझे दिखाई दिया है फ्रेंड्स, इसमें भी पानी भरा हुआ है लेकिन सेफ़ है, अभी आगे आराम से इससे निकला जा सकता है। अभी हम यहाँ धीरे धीरे घटारानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब लगभग गोधूली बेला का समय हो गया ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे गाय अब घर लौट रही हैं। यहाँ पे मुझे कम से कम हजारों की संख्या में गाय दिख रही है फ्रेंड्स। इतनी सारी गाय एक साथ देखकर मेरा बेटा तो काफ़ी खुश हो गया है यहाँ पर। और इनके घर जाने का समय हो गया फ्रेंड्स, तो इतनी सारी गाय शहर में तो हम देख ही नहीं पाते कभी भी। धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर जब तक रोड क्लियर नहीं होता अभी आगे बढ़ना तो मुश्किल है, फिर भी धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अब बहुत जल्द हम घने जंगल को क्रॉस करने वाले हैं और यहाँ के ग्रामीण मुझे बता रहे थे कि
चूँकि घना जंगल है और शाम का समय होने को है तो मुझे कुछ जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं आगे एक एडवेंचरस होगा हमारे लिए भी। ये अब धीरे से आगे बढ़ गए हैं, ये घना जंगल आ चुका है फ्रेंड्स। जानवर तो अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं लेकिन बस अब घटा रानी हम पहुँचने वाले हैं। घटा रानी के बहुत नज़दीक हम पहुँच गए हैं और जंगल का बहुत ही विहंगम दृश्य है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये देखिए हम एंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं। अभी मेरी फैमिली साथ में है, मेरे साले साहब हैं, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर दृश्य है घटा रानी माता का। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। लोग पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ इसको मानते हैं और काफ़ी पर्यटक अभी मौजूद मुझे दिखाई दे रहे हैं। चूँकि शाम का समय हो रहा है फिर भी मुझे बहुत सारे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मेरी फैमिली ने तो काफ़ी एंजॉय किया फ्रेंड्स। मैं पानी को थोड़ा अवॉइड करता हूँ तो मैं जा रहा हूँ ऊपर पहाड़ों पर घटा रानी माता के दर्शन करने के लिए और ये लोग एंजॉय करते रहेंगे यहाँ पर। जय घटा रानी माँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पहाड़ों पर आ चुका हूँ ऊपर और ऊपर से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे का कितना सुंदर दृश्य है फ्रेंड्स। यहाँ का जलप्रपात पूरी तरह से भरा हुआ है और काफ़ी अच्छा माहौल है। अब शाम का समय हो गया था फ्रेंड्स तो हम वहाँ से निकल गए हैं। जतमई एक और जगह थी जहाँ आप नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर संपर्क टूटा हुआ था और ये कुलेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन करते हुए हम फिर आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो राजी में एक ऐसी जगह है फ्रेंड्स जहाँ मुझे बचपन से काफ़ी लगाव रहा है क्योंकि मेरा नानी घर है ये। तो मैं गर्मी की छुट्टी यहीं बिताता था, सारे त्यौहार ही मनाता था तो इस जगह से विशेष लगाव है मेरा। तो मैं थोड़ी देर और रुक गया यहाँ पर। अब चूँकि शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है तो हम थोड़ी देर बाढ़ को बाढ़ का एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर और अब निकलेंगे हमारे शहर रायपुर की तरफ। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट पर। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अन्य फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।